फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्लांट्स का चैनल। आज मैं दिखाऊंगी कि मैं अपने सारे प्लांट्स जो फ्लावर दे रहे हैं उनके लिए क्या करती हूँ, जो नहीं भी दे रहे उसके लिए भी क्या करती हूँ ताकि विंटर में जाके दे सके। ये देखिए, ये मेरी एक बाल्टी पानी में बनाना पील जो है वो एक पहले ये वाले जार में 1 वीक से पचाया गया था। फिर उसको देखिए एक बाल्टी पानी में पूरा डाइल्यूट करके मिक्स करके दिया हुआ है। अब ये हर पेड़ में, हर प्लांट में एक मग करके देंगे। ये देखिए, इसमें मैं एलम भी दूंगी। ये एलम का टुकड़ा है, इसे फिटकरी भी कहते हैं। इसको ये मैंने देखिए पाउडर फॉर्म कर दिया है। अब इसको ये पूरे एक बाल्टी पानी में मिक्स करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं, मैं ऐसे इसे मिक्स करके ही दूंगी। महीने में मैं एक बार ही ये एलम यूज करती हूँ। हर हफ्ते में नहीं देना है, सिर्फ महीने में एक बार देना है। ये देखिए, फिर से पाउडर बना के मैं इसमें मिक्स करूंगी। ये एलम क्या करता है, ये जो बनाना पील जो फर्टिलाइजर में देने वाली हूँ, ये जो है प्लांट की जड़ जल्दी से सोक कर ले, इसके लिए एलम का पाउडर दिया जाता है। क्योंकि फर्टिलाइजर जो कोई भी फर्टिलाइजर को प्लांट के जड़े ले सके, इसलिए एलम का पाउडर यूज़ करते हैं। मिट्टी एसिडिक हो जाता है तो इसलिए आसानी होती है फर्टिलाइजर को इंटेक करना। कभी कभार होता है, मैंने पहले भी कहा है, बहुत फर्टिलाइजर देते ही जा रहे हैं पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा प्लांट में, तब आप ये एलम दे सकते हैं। पीएच बैलेंस को है जो है उसे एसिडिक थोड़ा सा बना देता है। मैं आपको मेरा ये वाला प्लांट दिखाना चाहूँगी। ये इसकी ग्रोथ रुक गई थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऐसे ही शाइन था, ग्रीनिश था, पर कोई कलियां नहीं आ रही थी। तो मैंने इसमें इसके पॉट में एलम दिया था, उसके बाद फर्टिलाइजर देने के बाद एलम दिया, उसके बाद फर्टिलाइजिंग भी की, उसके बाद देखिए ये कलियां आ गई हैं। बहुत सारी, हर रोज फूल खिलता है और बहुत बड़ा खिलता है और बहुत ज़्यादा कलियां भर गई हैं। तो आपका प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी कलियां नहीं आ रही है, तो आप ये टिप्स यूज़ कर सकते हैं। फिर भी फर्टिलाइज़र देने का एक तरीका होता है। पहले आप मिट्टी का सरफेस से आप जज मत कीजिए, सरफेस हमेशा कभी कभी सूखा रहता है पर अंदर जो है मिट्टी का थोड़ा सा गीला होता है। आप थोड़ी मिट्टी की गुड़ाई करते हैं और अगर आपका अंदर की मिट्टी भी आपको सूखी दिखे तभी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइजर क्यों, आप वाटरिंग भी अगर करें तो यही उसका नियम होगा, वरना ओवर वाटरिंग से कोई भी प्लांट के जड़ में फंगस हो सकता है, मर सकता है। देखिए मैंने इस मिट्टी की गुड़ाई कर दी है। अब इसमें वो बनाना पील का जो फर्टिलाइजर, वो लिक्विड जो मैंने दिखाया है, और एलम का मिक्सचर अब इसमें डालूंगी। तो जो है क्या होता है कि इसका जो फर्टिलाइज़र है पूरा ही सोक लेता है सूखी मिट्टी में, और तो वेस्ट नहीं होता आपका, नीचे से निकल नहीं जाता। सूखे सूखी सरफेस देख के ही आप जज मत कीजिए, गुड़ाई करके देख ले। अगर अंदर भी आपका ऐसे सूखी मिट्टी हो तभी आप ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो दे दें। वाटरिंग का भी यही रूल है। ये देखिए भर भर के दे रही हूँ। ये वाला देखिए, मेरे गिलहरी ने मेरे ये दोनों फ्लावर को खा के क्या हालत बना दी है, वरना देखिए ये इसका फ्लावर इतना ही खूबसूरत होता है। ये शाम का वक्त है इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, सुबह के वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बहुत सारी इसमें भी कलियाँ आई हैं, इसको लेके भी मुझे प्रॉब्लम में पड़ना पड़ा था। इसके येलो पत्ते हो रहे थे, आयरन डिफिशियंसी शो करता है येलो पत्ते। तब आप रस्टी कील मिट्टी में गाड़ दे और थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट या एलम पाउडर दे दे महीने में एक बार।
यही मैं अपनी हर प्लांट में कर रही हूँ। ये मेरा टोमेटो का प्लांट है, ये मैंने बीज से ग्रो किया है। ये भी देखिए, ये सारे टोमेटोज के प्लांट्स है, ये सारे मैंने बीज से ग्रो किया है। आप बाजार से टोमेटो लाते हैं तो वो लाल पके हुए टोमेटो को काट के जो बीज निकलता है उसे धूप में थोड़ा सा सुखा ले, फिर मिट्टी में वो सैंड, वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी का मिक्सचर में आप उसे दे देंगे। तो देखिए 3-4 दिन में इतने बड़े तो नहीं होंगे, उसका जो स्प्राउट है वो ऊपर उठ जाएगा। फिर 10-15 दिनों में ये टोमेटो का प्लांट इतना बड़ा हो जाएगा। क्योंकि विंटर आ रहा है तो आपको उगाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, विंटर का ही, विंटर में ही अच्छे आते हैं टोमेटोज, अच्छे अच्छे ताज़े ताज़े टोमेटोज आप ले सकते हैं और वो टेस्टी भी होगा बाजार के टोमेटोज से। ये देखिए मैंने ग्रो किया है, इसके पॉटिंग मिक्स में वर्मी कंपोस्ट है, सैंड है और गार्डन सॉइल है, उसका मिक्सचर है। हर पॉटिंग मिक्स में मैं यही वाला मिक्सचर कर मैंने मेरा रहता है और एक्स्ट्रा एडिंग में मैं फंजीसाइड देती हूँ। इसमें मैंने नहीं दिया है पर देती हूँ ज़्यादातर प्लांट पे, रोज़ के प्लांट पे मैं तो बिल्कुल फंजीसाइड देती ही हूँ क्योंकि उसमें वही ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि रोज़ के प्लांट पे बहुत ज़्यादा फंगस आ जाता है। ये देखिए ये मेरा ब्रिंजल का प्लांट है, ये देखिए, और इसके भी बहुत प्रॉब्लम्स मैंने झेले हैं। बहुत ज़्यादा बारिश के वजह से ये प्लांट थोड़ा सा खराब हो गया था, अब फिर बारिश रुक गया है और देखिए ये प्लांट फिर से हरा भरा हुआ है और मैंने प्रूनिंग भी कर दी है। जब आप देखें कि आपके ब्रिंजल के प्लांट में फ्लावर नहीं आ रही है तो आप उसकी अच्छे से प्रूनिंग कर दे और अच्छे से खाद दे दे ज़्यादा से ज़्यादा और एप्सम सॉल्ट दे दे। देखिए ये मेरा रिजल्ट, देखिए आप देख पा रहे हैं कि नहीं, बहुत सारे फ्लावर्स भी आए हैं, छोटे छोटे भर गए हैं, बहुत सारे फ्लावर्स भर चुके हैं, आप देख पा रहे हैं कि नहीं। ये देखिए ये है और ये देखिए ये भी है, ये देखिए ये है। कभी कभार क्या होता है, मेरे फ्लावर तो पहले आए थे, इतने नहीं आए थे, कम आए थे, वो झड़ भी गए थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो मॉनसून के ओवर वाटरिंग के वजह से ये हो रहा था। तो आप ओवर वाटरिंग ना करें और इसमें नीम ऑयल पानी में मिक्स करके स्प्रे करें। और मैं बताना चाहूँगी, मैंने जो नीम ऑयल यूज़ किया था वो हेयर में यूज़ करने वाला, स्किन में मतलब यूज़ करने वाला था, वो मैंने यूज़ करने के बाद पत्तों के जो ये जो होते हैं पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो गए थे और पत्ते मेरे येलो हो गए थे, तो ये मैंने एक गलती की थी तो मैंने उसे सुधारी है। जो प्लांट में देने वाला नीम ऑयल होता है जो सिर्फ प्लांट में ही यूज़ होता है, आप देख के पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा, सिर्फ वही वाला नीम ऑयल आप पानी में मिक्स करके इस पे छिड़क सकते हैं ताकि कीड़े मकोड़े ना हो। फंजीसाइड यूज़ करें आप चाहे तो, आपके अगर घर में नीम के पेड़ हो तो नीम ऑयल की ज़रूरत नहीं है, नीम के लीव्स को आप बॉयल करके वो पानी को आप स्प्रे कर दीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने वो बालों में लगाने वाला नीम ऑयल यूज़ किया था तो येलो हो गए थे। कर रही हूँ, ये मेरा एक टिप्स है।